नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के अध्यापक हैं, चाहे फिर वर्ग एक के हों, दो के हों, तीन के हों, यानी कि सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक हों, यानी कि जो अब प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बन गए हैं, उनकी वरिष्ठता सूची जारी होना शुरू हो गई है। अभी ये फिलहाल ऐसी हो रही है, इसमें कोई गलती होती है तो आप अपना नाम चेक करके, नाम के सामने चेक करें, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, सम्मिलन डेट, नियुक्ति दिनांक, अन्य चीज़ हैं, उनमें कोई गलती हो तो अभी आप इसमें सुधरवा सकते हैं आपत्ति लगा करके, फिर बाद में आपकी एक फाइनल सूची जारी हो जाएगी। तो आप ये लिस्ट जो है काफ़ी बड़ी आ रही है, काफ़ी पीडीएफ में लंबा मतलब पेज हैं, काफ़ी टाइम लगता है आपको नाम ढूंढने, तो हम आपको एक ऐसी तरकीब बताने वाले हैं उससे आप एक सेकंड में इसको आपका नाम जो है सर्च कर पाएंगे, और सर्च करने के बाद आप उसमें अपनी गलती चेक कर लें, और गलती हैं तो आप इसके लिए आपत्ति लगाएं, नहीं है तो आप अपना नाम के सामने जो है उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, इनको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, हम आपको वो सुविधा भी दे रहे हैं, वर्ग 1, 2, 3 की पीडीएफ सूची वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके माध्यम से, तो आप देखें और इस पर अपने विचार जुड़ के। तो आइए देख लेते हैं, लट सकते हैं। अध्यापक संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों की वरिष्ठता सूची जारी हो गई है, और दोस्तों इसमें आपको कोई आपत्ति हो, कोई गलती है तो सुधार करवा सकते हैं, उसके बाद फिर फाइनल वरिष्ठता सूची जारी होगी, तो आप चेक कर लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये गुना जिले की है, आपके प्राथमिक शिक्षक जो बन गए हैं उनकी है, फिर माध्यमिक शिक्षक संभाग से और भोपाल से वर्ग 1 की जारी हुई है, इस प्रकार से सूची जारी हुई है। तो आप जैसे काफ़ी पेज हैं, इसमें बहुत सारे पेज हैं, तो आप अपना नाम ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। तो ये सूची रहेगी इस प्रकार से, तो आपको सबसे नीचे जाना है। अब ऊपर आप देख पा रहे हैं, एक तो ये आपका क्रोम का जो है वो बना है निशान, एक ये बना है, तो आपको इसी पे टैप करना है, इस पे आप टैप कर दें, और यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, या आपकी नियुक्ति दिनांक, डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपका यूनिक आईडी, जो भी आप लिखेंगे उसी से सर्च होगा। चलिए हम लिख लेते हैं, एक हमारे फ्रेंड की है 1116। तो अब कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, एक 1116 सही से लिखा है, 11 और ये 16, ऑटोमेटिक सर्च करके आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, ये नाम भी आ गया है और उनका यूनिक आईडी और आ गया, ये प्रकार से आ गया। तो आप एक ही सेकंड में आप अपना नाम जो है सर्च कर पाएंगे इस पूरी सूची में। तो आप चाहे प्राथमिक की देखें, माध्यमिक की देखें, या उच्च माध्यमिक शिक्षक की देखें, तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और इन तीनों की जो है लिस्ट जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन लिंक हमने डाल दिए, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की। तो आप अपना नाम देखें, कोई गलती है तो इसमें देखें, और उस पर जो है आपत्ति आप लगा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।